हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो एमए एनआईटी की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो यस फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोग को सैलरी 60,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पर फर्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें आप लोग को सैलरी लेवल 6 के हिसाब से मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फीस में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग फिजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में से ग्रेजुएशन की हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को हर एक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे आप लोगों को सैलरी 9,300 से लेके 34,800 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग टोटल सीटीसी 60,000 पर मंथ मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आप लोग को 1 साल के लिए प्रोवेशन पीरियड पे रखा जाएगा, और प्रोवेशन पीरियड कम्प्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आप लोगों को सैलरी लेवल 3 के हिसाब से मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंस में से ग्रेजुएशन की हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को हर एक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे आप लोग को सैलरी 5,200 से लेके 20,200 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 45,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आप लोग को 1 साल के लिए प्रोवेशन पीरियड पे रखा जाएगा, और प्रोवेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे दोनों पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर सेम रहा गया है, जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद फर्स्ट होगा आप लोग का ट्रेड टेस्ट। अगर आप लोग ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा रिटेन टेस्ट, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट एड ट्रेड टेस्ट के लिए, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा आप लोग को ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए, और एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा आप लोग को ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप लोग ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स लाना होगा आप लोग इसमें क्वालिफाई करने के लिए। सिमिलरली एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 35% मार्क्स लाना होगा आप लोग को रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। इसमें आप लोग का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होगा वो रिटेन टेस्ट का जो मार्क्स है उसके बेसिस पे निकलवा जाएगा, बट आप लोग को ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करना होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे दोनों पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी सेम रखा गया है।
जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन एसबीआई कलेक्ट के थ्रू पे सबमिट करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है जिसको आप लोगों को अच्छे से फिल करना होगा और फिल करने के बाद उसके साथ आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम, और ये मेंशन करने के बाद आप लोग को उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस इसमें मेंशन है आप लोग को उसी एड्रेस पे 4 जनवरी 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स यही इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन, नेक्स्ट में आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था। तो फ्रेंड्स यही इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इसके पहले यानी कि 2019 पे जो भी वैकेंसीज आउट किया गया था उसमें अगर आप लोग अप्लाई की हो तो उस केस में आप लोग कहीं पे ये ऑप्शन को चूज करना है, नहीं तो आप लोग को नो ऑप्शन पे टिक मारना होगा। उसके बाद आप लोग को एक सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहीं पे टच करना होगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फी का जो डिटेल्स है वो आप लोग को यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहीं पे फिल करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसके डिटेल्स आप लोग यहीं पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम आप लोग यहीं पे मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आप लोग को एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट यहीं पे मेंशन करना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट आप लोग को नोटिफिकेशन में से मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आप लोग को यहीं पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आप लोग जो भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आप लोग को यहीं पे मेंशन करना होगा। उसके साथ आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है। उसके अलावा अगर आप लोग के पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल्स आप लोग यहीं पे फिल कर सकते हो। उसके साथ आपको आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना होगा। और उसके साथ अगर आप लोग कोई भी रेफरेंसेस वगैरह देना चाहते हो तो उसका डिटेल्स आप लोग यहीं पे फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग कोई भी ट्रेनिंग या तो वर्कशॉप वगैरह की हो तो उसका डिटेल्स आप लोग यहीं पे फिल कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे उसके पास में आप लोग को पेज नंबर यहीं पे मेंशन करना होगा। और ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस किया हो उस डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बना के इसका जो ऑफिशियल एड्रेस इसमें मेंशन है आप लोग को उसी एड्रेस पे 4 जनवरी 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना था। आने वाले वीडियो में मैं आप लोग के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।